भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेला है। पांच पांच कार्यकर्ताओं की टीम गांव गांव जाकर अब ओबीसी वोट को साधेगी। एट्रोसिटी बिल का जगह जगह विरोध देखने बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेला। गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, एक विधानसभा या लोकसभा के आधार पर नहीं तय हो सकता विकास का मॉडल। बीजेपी के 15 और कांग्रेस के 10 साल पर कांग्रेस कहीं भी बहस कर ले, भूपेंद्र सिंह ने कहा। बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेला है। पांच पांच कार्यकर्ताओं की टीम गांव गांव जाकर अब ओबीसी वोट को साधने की, ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश करेगी। एट्रोसिटी बिल का जगह जगह विरोध देखते बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेला। वहीं इस बीच भूपेंद्र सिंह का भी बयान आया, जानकारी देंगे आशीष मेरे सहयोगी। आशीष, भूपेंद्र सिंह का बयान, साथ ही साथ बीजेपी की ओबीसी वोटर्स को साधने की कवायद। एससी एसटी एट्रोसिटी बिल के हो रहे विरोध को लेकर बीजेपी ने ओबीसी कार्ड को लेकर एक नया दाव खेला है। बीजेपी के मुताबिक अब बीजेपी के पांच पांच कार्यकर्ता हर गांव में जाकर ओबीसी वोट को साधने की कोशिश करेंगे और उसके लिए बाकायदा रणनीति बनाई जा रही है किस तरह से ये कार्यकर्ता काम करेंगे। 4 सितंबर को सीएम हाउस में ओबीसी वर्ग के बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि है उन लोगों की बैठक होगी और बैठक में तय होगा कि किस तरह से काम करना है। 6 सितंबर को सतना में ओबीसी वर्ग का बड़ा सम्मेलन बीजेपी करने जा रही है। इसके साथ ही छिंदवाड़ा विकास मॉडल को लेकर जो बात सामने आई थी उस पर भूपेंद्र सिंह ने कमलनाथ पर निशाना साधा है और साफ कहा कि एक विधानसभा या लोकसभा के आधार पर विकास का मॉडल नहीं हो सकता। उन्होंने उदाहरण दिया कि यदि कमलनाथ ने केवल अपनी लोकसभा का विकास किया है तो उसमें राज्य सरकार की सबसे बड़ा योगदान है क्योंकि राज्य सरकार की कर्मचारी और राज्य सरकार की एजेंसियां काम करने वाली होती है। और बोले एक विधानसभा के आधार पर यदि ये तय होने लगा कि विकास का मॉडल है तो फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान की बुधरी विधानसभा देश ही नहीं दुनिया में विकास का सबसे बड़ा मॉडल बन सकती है। लेकिन बीजेपी पूरे प्रदेश को ध्यान में रखकर काम करती है, मध्य प्रदेश की सरकार पूरे प्रदेश को ध्यान में रखकर काम कर रही है और उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस को चेतावनी दी कि बीजेपी के 15 साल के विकास और कांग्रेस के 10 साल के विकास पर बीजेपी कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस के साथ बहस करने को तैयार है। पारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आशीष।